इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि AMNS हजीरा में ट्रेनिस को कैसा अकोमोडेशन दिया जाता है और क्या क्या फैसिलिटीज दिया जाता है। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मेरा नाम है मनीष महतो और आज से एक महीना पहले लगभग मैंने एक वीडियो डाला था AMNS जो डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी का हायरिंग हो रहा था, जो ऑन जॉब ट्रेनी भी मतलब बोला जाता है, वो GT या DET जो भी आप बोल सकते हो दोनों। तो वो तो अभी ऑफ हो गया है। जो लोग उस टाइम अप्लाई किए थे बहुत लोग का ऑफर लेटर भी आ गया है, और जो लोग पहले भी अप्लाई किए थे उन लोग का ऑफर लेटर आ गया, मतलब अब ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गया उन लोग का। तो अब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो मतलब पिछले बैच में जो ज्वाइन किए थे वो लोग को क्या क्या अकोमोडेशन दिया गया था, वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो मैंने एक फ्रेंड को वहाँ कॉन्टेक्ट किया जो वहाँ पोस्टेड है, मतलब जो वहाँ ज्वाइन किया हुआ है, तो उससे मुझे जो वीडियो मिला है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि उसको क्या रूम मिला हुआ है और क्या क्या फैसिलिटीज मिला हुआ है रूम के अंदर, और आमने सामने का कैसा एनवायरमेंट है। तो वीडियो को देख आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मैंने मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करके उससे मांगा है, बहुत ज़्यादा वो थोड़ा भाव दिखा रहा था देने के लिए। तो क्योंकि सबको मन नहीं होता है अब वीडियो रिकॉर्ड करना ऐसे जैसे मैं बैठ के कर रहा हूँ, तो इस वीडियो मतलब इसके लिए एक लाइक तो बनता है। और अगर आपको कुछ और अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो इस वीडियो में, मैं वो भी पता करने की कोशिश करूंगा और मतलब उसके बाद फिर न्यू वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा रूम का ओवरव्यू। एक रूम में दो लोगों को अलॉट किया जाता है, और ये एक अलमीरा रहता है, शेयरिंग अलमीरा। और आप लोग देख सकते हैं एक स्टडी टेबल रहता है यहाँ पे, जिसमें आप लोग काम की चीज़ें कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो या और भी कुछ रख सकते हो इस पे। और ये इसमें पेपर लगा हुआ है क्योंकि धूप अंदर ना आए, ट्रांसपेरेंट है इसलिए। और ये दो बेड है शेयरिंग में, और आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कैसे है। और ये शेयरिंग वॉल बाथरूम है, आप लोग देख सकते हैं। और ये नेक्स्ट रूम है, यहाँ पे दो लोगों का है। और ये छोटा सा किचन है एक, जहाँ पे आप लोग खाना बना सकते हो या कुछ भी। हम अभी बाहर जा रहे हैं। ये मेरा एग्जिट डोर है, ये खुला है। ये ऐसे यहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल हैं। कुछ ऐसा है नज़ारा यहाँ का, आप लोग देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको पता चलेगा होगा कि क्या क्या फैसिलिटीज मिलता है रूम के अंदर। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि मतलब दो रूम अलग अलग होता है, और शेयरिंग में एक वॉशरूम होता है, उसका सिंगल रूम में मतलब दो लोग को अलॉट किया जाता है, दो ट्रेनीज को रखा जाता है एक रूम में, दो दो बेड, दो बेड दिया जाता है, और एक कबर्ड था जो कि कॉमन रहता है, और एक टेबल और चेयर रहता है पढ़ने के लिए। उसके बाद फिर जो मुझे पता चला मतलब 4 ईयर का जो रहता है ट्रेनिंग पीरियड, उसके बाद फिर जब वो लोग इम्प्लॉय बन जाते हैं तो इन लोग को और भी फैसिलिटीज दिया जाता है, जिसमें आपका क्वार्टर में पूरा एक क्वार्टर ही दे दिया जाता है। उसके बाद ये भी मैंने उससे पूछा कि मतलब अगर घर से अगर आपके कोई जाता है, पेरेंट्स या फिर कोई फ्रेंड भी जाता है, तो वो लोग के लिए क्या रहता है, मतलब क्या उसी अकोमोडेशन में रहना पड़ता है जो ट्रेनीज पहले से रह रहे हैं, उसी में रहना पड़ता है? तो ऐसा नहीं है, मतलब जो भी पेरेंट्स अगर जाते हैं आपके वहाँ तो उन लोग के लिए अलग से गेस्ट हाउस बना हुआ है। बस शर्त यह है कि मतलब आपको पहले से इन्फॉर्म करना होगा, अपने जो भी वहाँ पे मैनेजमेंट रहेगा उसको पहले से इन्फॉर्म करना रहेगा, तो वो लोग मतलब उसका इंतजाम कर देंगे रहने का। और जो वहाँ मेस चार्जेस है, मतलब मेस तो है वहाँ, लेकिन वहाँ मेस का खाना उन लोग को पसंद नहीं आता, तो वो लोग खुद ही बनाते हैं, जैसे कि आप देखा किचन
किचन का भी एरिया दिया हुआ था, तो वो लोग खुद ही खाना बनाते हैं। और कंपनी में भी आपको खाना मिलता है, तो एक टाइम कंपनी में मिलता है, और जो आप अकोमोडेशन में रहिएगा वहाँ पे भी आपका मेस है, तो वहाँ भी आप अगर आप खुद से अगर खाना बनाने में अगर आपको नहीं आता खाना बनाने, तो मतलब वहाँ से आप खा सकते हैं। अगर आपको अपना खाना बनाना पसंद आता है तो आप खुद से भी बना सकते हैं, और लंच के लिए भी ले जा सकते हैं जो मतलब जब भी आप जाइएगा। तो अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो अगर आपको चाहिए वहाँ का वर्किंग आवर्स के ऊपर कि कौन कौन सा शिफ्ट होता है, क्या वर्किंग आवर्स रहता है AMNS में, तो आप मुझे कमेंट करके बता दो, तो मैं वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि AMNS के ऊपर मतलब ज़्यादा वीडियो बना हुआ नहीं है, तो उसका ऑडियंस भी नहीं है, तो इसलिए मुझे पता होना चाहिए कि मतलब आप लोग को देखना है तभी मैं बनाऊंगा, फालतू मेहनत नहीं करूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।